नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उस पर बात करेंगे कि जैसे आपकी जो घरों में चीजें हैं तो उन चीजों को रखने में मतलब क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए कि उन चीजों से आपके घर में क्लेश ना हो और आपके घर में बच्चों पे बीमारी, बड़ों पे बीमारी ना हो। पैसे का जो पैसा आता है और पैसा रुक जाता है उसमें भी प्रभाव पड़ता है, तो इस सब के बारे में आज हम आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे कि आपको अपने खुद से ही सही करना है। सही करने में पेरेंट्स आपके घर में कोई मुसीबत नहीं आएगी। पैसे का जो रुक जाना होता है, पैसा अनाप शनाप कहीं बीमारी में खर्चा होता है, पैसा नहीं रुकता है और बच्चे बीमार होते रहते हैं और घर में क्लेश होता रहता है, घर में अच्छा नहीं लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे घर में सूना सूनापन सा लगता है, घर में खुशी नहीं होती है, इस बारे में हम आपको सब बताएंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो आपके घर में सिलौटी है, जैसे कि उसमें पीसा जाता है, तो वो चीज अगर आपके घर में है तो उसको बहुत ही सहूलियत से आपको रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हाथ से वो छूट जाता है जो बांटने वाला होता है, कभी सिलौटी चटक जाती है, टूट जाती है, उसके दो खंड हो जाते हैं, तो ये सब अशुभ संकेत हैं। इसके टूटने से मतलब घर में जो है बर्बादी का कारण बन जाता है और घर में बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं जो कि हम लोग कुछ जान समझ नहीं पाते हैं। फ्रेंड्स, आपको अपने घर में अगर सिलौटी आपकी टूट जाती है, बीच से खंडित हो जाती है या लोड़ा टूट जाता है तो आपको अपने घर में नहीं रखना चाहिए और ये किसी देव स्थान में आपको रख देना चाहिए। जैसे कि पीपल का पेड़ है, ऐसे बरगद का पेड़ है, इस तरीके से रख देना चाहिए। और उसमें क्या करना चाहिए, आपको जितने किलो की आपको नपवा लेना चाहिए, नाप लेना चाहिए कि हमारी जो सिलौटी और बांटने वाला बटना है इतने किलो का है, उतने किलो नमक आपको तौल करके किसी को, गरीब आदमी को दे देना चाहिए। और दूसरा पेरेंट्स है कि आप खुद ही जानते होंगे कुछ लोग कि घर में रुकी हुई घड़ी मतलब चलती हुई घड़ी रखना चाहिए, घड़ी रुकी हुई कभी नहीं रखना चाहिए। और पेरेंट्स, तीसरा ये है कि जो पूजा के लिए शंख होता है, जो हम लोग बजाते हैं पूजा करने के बाद में शंख को बजाते हैं, तो वो भी बहुत ही सावधानी से रखना चाहिए। उसके भी टूटने से मतलब अशुभ होता है, टूटना अच्छा नहीं होता है। और चौथा पॉइंट हमारा ये है कि जो घर में हम पूजा करते हैं, भगवान की मूर्ति रखते हैं, तो वो कोई भी मूर्ति कहीं से भी जरा सी चिटकी हुई मूर्ति नहीं घर में रखना चाहिए, उसको देव स्थान में पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा देना चाहिए। और पेरेंट्स, पांचवा ये है कि जिस रूम में आप लोग सोते हो उस रूम में दवाइयां आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि जो दवाइयां जरूरत की है वो भी रखे हैं, जो बिना जरूरत की है वो भी रखे हैं, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। जो जरूरत की है दवा उसी को रखना चाहिए, वो भी अपने सोते हुए सोने के रूम जिस रूम में हम लोग सोते हैं उस रूम में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग सिरहाने रख के सो जाते हैं, ऐसा पेरेंट्स नहीं करना चाहिए। और इसके बाद पेरेंट्स, जो मिरर होता है, शीशा होता है, तो वो टूट जाता है, जैसे बीच से दरक जाता है, थोड़ा सा भी दरक जाता है तो उसमें अपना चेहरा कभी भी देखना नहीं चाहिए, वो भी अशुभ होता है। और पेरेंट्स, जो अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने घर में जो टूटे फूटे बर्तन यूज कभी भी नहीं करना चाहिए। जैसे कोई बर्तन टूट जाता है या उसकी मतलब थोड़ा सा चिटक जाता है तो लोग इस्तेमाल करते रहते हैं, तो घर में कभी भी टूटा फूटा बर्तन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और पेरेंट्स, कभी भी अब जिस घर में आप रह रहे हो तो उस घर का जो मेन गेट होता है वो ब्लैक कलर से कभी भी नहीं पुतवाना चाहिए। तो पेरेंट्स, ये कुछ जानकारियां थी तो हमने आपको दी। तो पेरेंट्स, जो हमने बताया है तो आप अगर ऐसा करेंगी, बताए हुए रास्ते पे चलेंगी, तो आपके घर में कभी दरिद्रता और कभी भी बीमारी, कभी भी घर में क्लेश, बहुत सी घर में लड़ाइयां आपस में होने लगती, ये कभी भी आपके घर में कुछ भी नहीं आएगा और बहुत ही सुख संपत्ति और लोगों का जो घर के सदस्य हैं सबका स्वास्थ्य और कभी भी धन का ना रुकना, ये सब आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ऐसे ही अच्छी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो
तो वीडियो लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।